Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literatureship. Today we will cover the writer Graham Greene. इनकी टाइमलाइन है 1904 से 1991. डेट ऑफ बर्थ है इनकी 2 अक्टूबर 1904. डेट ऑफ डेथ है इनकी 3 अप्रैल 1991. इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है और स्विट्जरलैंड में इनकी डेथ होती है. इनका फुल नेम है हेनरी ग्राहम ग्रीनी. इंग्लिश राइटर थे ये, जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक, एडिटर, चाइल्ड फिक्शन, ये सभी रह चुके हैं. इनकी वाइफ का नेम है विवेन डेरल ब्राउनिंग. ही क्रिटिसाइज्ड टू मॉडर्न राइटर्स. मॉडर्न राइटर्स जो इन्होंने सबसे ज्यादा जिनको क्रिटिसाइज किया है वो है वर्जीनिया वुल्फ एंड ईएम फॉस्टर. 1926 में अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस के अंडर इन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को एक्सेप्ट किया था. ही रिमेन्ड द सब एडिटर ऑफ नॉटिंगहैम जर्नल 1918 to 1953. नॉटिंगहैम जर्नल के ये सब एडिटर हैं 1918 से 1953. एंड ही रिमेन्ड सब एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑल्सो फ्रॉम 1927 to 1929. ही रिमेन्ड द एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर ब्रिटिश मैगजीन 1820. वर्क्स, सबसे पहले हम इनके नॉवेल्स डिस्कस करेंगे. बैबलिंग अप्रैल 1925 फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है इनका. द मैन विद इन 1929, ब्राइटन रॉक्स 1938, दिस इज अ मर्डर थ्रिलर, द पावर एंड द ग्लोरी 1940, रोमन प्रीस्ट की रेफरेंस मिलेगी इसमें आपको, द हार्ट ऑफ द मैटर 1948, कैथोलिक रिलीजन की रेफरेंस मिलेगी और इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है दैट इज मेजर स्कूबी, द एंड ऑफ द अफेयर 1951, वर्ल्ड वॉर टू की रेफरेंस मिलेगी इसमें, और ये जो चारों नॉवेल्स हैं ब्राइटन रॉक्स, द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर, ये चारों के चारों नॉवेल्स जो है रोमन कैथोलिक नॉवेल्स इनको बोला जाता है. इट्स अ बैटलफील्ड 1934, इंग्लैंड मेड मी 1935, इसका इस नॉवेल का एक और नाम भी है दैट इज शिपरैक्ड 1935, तो दोनों ही नेम जो है सेम नॉवेल के हैं. द कॉन्फिडेंशियल एजेंट 1939, द पावर एंड द ग्लोरी 1940, The Ministry of Fear 1943, The Quiet American 1955, One Man in Havana 1958, A Burnout Case 1960, A Sort of Life 1971, A Way of Escape 1980. ये जो दोनों वर्क हैं ये इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. Sort of Life जो इनका नॉवल है उसमें एक लाइन फेमस है दैट इज सक्सेस इज टेम्परेरी बट इट्स ओनली ए डिलेड फेलियर. A Way of Escape 1980, The Tenth Man 1985, No Man's Land 2005, this is posthumously published. Short stories, The Destructor 1954, The End of the Party 1929, Across the Bridge 1938, The Invisible Japanese Gentleman 1965, The Last Word 1988, The Lieutenant Died Last 1945. इसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड की रेफरेंस मिलेगी प्लस इसमें जो पैट्रियोटिज्म का आइडिया है वो दिखाया गया. प्रूफ पॉजिटिव 1931, द ब्लू फिल्म 1954, अ लास्ट पुअर मेलिंग 1940. इन 1966 और 1967 ही वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके चार नॉवल्स हैं जिनको रोमन कैथोलिक नॉवल्स कहा जाता है. फर्स्ट वन इज ब्राइटन रॉक्स, 1938 में ये पब्लिश हुआ था. इस नोवेल को एक फिल्म में भी अडेप्ट किया गया 1947 में भी और 2010 में भी. ये एक मर्डर थ्रिलर है. इसमें जो एंटी हीरो है वो है पिंकी ब्राउन, ही वॉज अ गैंगस्टर. नेक्स्ट वी हैव द पावर एंड द ग्लोरी, 1940 में ये पब्लिश हुआ था. इनिशियली पब्लिश इन द यूएस अंडर द टाइटल द लेबिरेंथिन वेज, पहले ये यूएस में पब्लिश हुआ था इस टाइटल के अंडर. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ रेनिगेड रोमन कैथोलिक विस्की प्रीस्ट, ए टर्म कॉइंड बाय ग्रीन. रोमन कैथोलिक की एक स्टोरी है और विस्की प्रीस्ट इसमें एक टर्म कॉइन आउट की थी ग्राहम ग्रीन ने, उसके बारे में बताया गया. द हार्ट ऑफ द मैटर 1948, मेजर स्कूबी इसमें प्रोटैगनिस्ट है, कैथोलिक पुलिस ऑफिसर है एंड ही वॉज एन अडल्टरर. द एंड ऑफ द अफेयर 1951, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ मैरिड वुमेन एंड अ नॉन मैरिड राइटर, इट गोज फॉर सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. So this was all about Graham Greene. I hope you liked the video. Thank you for watching it.